नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाए जाने वाले जवान हुए सड़क हादसे का शिकार। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर। जिला प्रशिक्षण के लिए बिहार आएंगे 2021 बैच के 10 आईएएस अधिकारी। अगले 24 घंटों में इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार। सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाए जाने वाले जवान हुए सड़क हादसे का शिकार। रविवार यानी आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में जा रही बीएमपी की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में जख्मी हुए बीएमपी के एक दर्जन जवानों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बीएमपी जवानों से भरी ये बस पुलिस वाहन मुजफ्फरपुर से जमुई पुलिस लाइन जा रही थी। वाहन पर सवार पुलिस वालों की ड्यूटी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जमुई में लगाया जाने वाला था। उससे पहले आज सुबह ही जिला पुलिस लाइन से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में जा गिरी, जिसमें जवान घायल हो गए। अब पानी में फिर से ले सकेंगे रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का मजा। बीते कुछ सालों में देखा जाए तो बिहार सरकार जोर शोर से पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सिर्फ थल पर ही नहीं बल्कि अब जल में भी सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में गांधी घाट पर गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि यह क्रूज सर्विस पिछले 5 साल यानी 2017 से बंद थी, जो अब एक बार फिर से खोलने की तैयारी है। बंद क्रूज की मरम्मत के लिए बिहार राज्य पर्यटन निगम ने एक एजेंसी को जिम्मा दिया है, जिसे 90 दिनों के भीतर यानी अक्टूबर में चालू करने को कहा गया है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तारीख 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो आप जुलाई तक जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देना होगा। इसके बाद बिहार बोर्ड द्वारा 25 जुलाई को छात्रों का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद छात्रों को प्रवेश पत्र पर त्रुटि सुधार करने का मौका 25 से 28 जुलाई तक मिलेगा। राजीव नगर नेपाली नगर मामले में अब ईडी करेगी जांच। बिहार के राजीव नगर नेपाली नगर में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला ईडी तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट के निर्देश पर ईडी ने उन 6 गृह निर्माण समितियों और भू माफियाओं की संपत्ति जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन पर आरोप था कि उन्होंने यहां की जमीन लोगों को बेचने का काम किया था। इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर पटना डीएम ने ईडी को पत्र लिखा था। बता दें कि नेपाली नगर से अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान वहां के लोगों ने भी इन समितियों पर धोखे में रखकर जमीन बिक्री का आरोप लगाया था। इसके बाद ईडी इस मामले की जांच करेगी। बिहार के इस आईपीएस अधिकारी को दिया गया शो कॉज। बिहार सरकार लगातार गलत तरीके से पैसों की कमाई करने वाले भ्रष्ट अफसरों पर आए दिन शिकंजा कसती है। इसी कड़ी में अब गलत तरीके से पैसे कमाने के आरोप में पुलिस मुख्यालय ने मगध रेंज के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ शो कॉज किया है। अमित लोढ़ा को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। वहीं अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मगध रेंज के आईजी के पद पर रहते हुए इनकी स्तर से 6 से 7 मामलों में गलत निर्णय लेने के कारण आरोपियों को फायदा मिला था। इसके बाद अब इन आरोपों के मद्देनजर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 में दिखेगा बिहार का टैलेंट। बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। आजकल हर क्षेत्र से कोई ना कोई धुरंधर निकलकर सामने आ रहा है और राज्य सहित देश का नाम रोशन कर रहा है। इस बीच मिस्टर इंडिया 2022 में इस बार बिहारी प्रतिभा का भी जलवा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अक्टूबर में होने वाले रूबरू मिस्टर इंडिया प्रेजेंट 2022 के 34 फाइनलिस्ट में बिहार के सहरसा के रहने वाले नील आर्यन का सिलेक्शन हुआ है। नील आर्यन ने इटली से बैचलर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग का कोर्स किया है। साथ ही साथ मिस्टर इंडिया में एक्स्ट्रा टैलेंट शो करने के लिए म्यूजिक के अपने टैलेंट को और धार दे रहे हैं। नील आर्यन का कहना है कि मॉडलिंग सोच के बाद वह आगे भविष्य में बिहार में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों में झिझक काफी रहती है, जिसे दूर करना जरूरी है। जिला प्रशिक्षण के लिए बिहार आएंगे 2021 बैच के 10 आईएएस अधिकारी। 2021 बैच में चयनित 180 आईएएस में से 10 आईएएस बिहार को मिला।
किया है और ये सभी आईएएस अभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं अब 2021 बैच के ये 10 आईएएस अधिकारी जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए बिहार आएंगे। ये सभी नए अधिकारी 19 अगस्त से अपने जिला स्तरीय प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे। इन्हें अलग अलग जिलों में सहायक समाहर्ता सह सहायक दंडाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है, जिसमें शुभम कुमार को औरंगाबाद, प्रवीण कुमार को मोतिहारी, अनिल बसाक को नालंदा, निशा को वैशाली, शैलजा पांडे को पटना, शिवाक्षी दीक्षित को बेतिया, अपूर्वा त्रिपाठी को नवादा, सूर्य प्रताप सिंह को दरभंगा, सारा अशरफ को मुजफ्फरपुर और आकाश चौधरी को गया जिले में तैनात किया गया है। अगले 24 घंटों में इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार। बिहार के मानसून का मिजाज शायद मौसम विभाग के भी समझ से परे है। एक और जहां बिहार राज्य के 35 जिलों में सूखे की स्थिति बनी हुई है, दूसरी ओर बिहार में हो रहे छिटपुट बारिश से अभी भी लोगों में उम्मीद है कि मानसून फिर से वापस लौटेगा। राजधानी पटना की बात करें तो बीते रात यहां के कुछ क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है। इसके बाद मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय और बेगूसराय जिला शामिल है। बिहार म्यूजियम में अगले महीने शुरू होगा विशेष कार्यक्रम। 7 अगस्त को बिहार म्यूजियम अपना 7 साल पूरा करेगा। आपको बता दें कि 7 अगस्त को साल 2015 को मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था। इस अवसर पर महिलाएं और देवता विषय पर केंद्रित कार्यक्रम बिहार संग्रहालय में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 अगस्त को इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अगले 2 माह तक महिला सशक्तिकरण थीम पर कई कार्यक्रम यहां होंगे। 7 अक्टूबर तक दर्शक महिला और देवता विषयक विशेष प्रदर्शनी यहां देख सकेंगे। मंगलवार से रविवार तक रोजाना सुबह 10:30 से 5 बजे तक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खुली रहेगी। बिहार के लिए पहली बार निफ्ट पटना ने निकाला फैशन फोरकास्ट। बिहार के लिए पहली बार निफ्ट पटना ने फैशन फोरकास्ट जारी किया है। खास बात तो यह है कि इस फैशन फोरकास्ट में बिहार की कलाओं और पहनावे को शामिल किया गया है। इसमें सबसे रोचक ट्रेंड निकल कर आया है बिहारी गमछा। बिहारी की पहचान गमछे को फैशन ट्रेंड के रूप में देखा जा रहा है। गमछा के साथ नालंदा का 52 बूटी, सूजनी, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा आर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैशन ट्रेंड का रूप ले रहा है। मानसून के लिए जारी फैशन फोरकास्ट में एसेसरीज में स्टेटमेंट मेकिंग यानी थोड़ा बड़ा और आकर्षक पसंद है। वहीं गमछा साड़ी भी खूब प्रचलन में है। बड़े बड़े प्रदर्शनियों में इसकी काफी डिमांड है। हाई प्रोफाइल पार्टियों में गमछा साड़ी को स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा को मिला जदयू का समर्थन। देशभर में 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नाम सामने आ गया है, जहां बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उप राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसके बाद उन्हें जदयू का समर्थन भी भरपूर मिलता दिख रहा है। उपराष्ट्रपति का नाम घोषित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि जदयू जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगा। उन्होंने धनखड़ को जीत की शुभकामनाएं भी दी है। द्रौपदी मुर्मू पर तेजस्वी द्वारा कसे गए तंज पर बीजेपी ने किया पलटवार। देश में राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है, जिसमें एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार हैं। इस बीच विपक्ष का ताना बाना भी शुरू है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी द्रौपदी मुर्मू पर तंज कसा है। शिवहर पहुंचे तेजस्वी यादव से जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति बैठाना है, न कि कोई मूर्ति। तेजस्वी यादव ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज तक हमने कभी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा है। वहीं द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि इस तरह के बयान देकर तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि उनकी दलितों के प्रति किस तरह की सोच है। कोरोना काल में भी लोगों की हुई अच्छी कमाई। कोरोना काल में कामकाज ठप होने के बावजूद भी सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। यह सुनकर शायद एक समय के लिए विश्वास ना हो, लेकिन जारी किए गए रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 12,200 करोड़ रुपए के टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके मुकाबले 14,600 करोड़ टैक्स संग्रह हुआ है। इसमें आयकर 10,000 करोड़ और कॉरपोरेट टैक्स 4,500 करोड़ शामिल है। वहीं टैक्स संग्रह में वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण रहे हैं, जैसे रिटेल, होटल, कंस्ट्रक्शन या आधारभूत संरचना से जुड़े क्षेत्र और ठेकेदारी के क्षेत्र के लोगों के टैक्स देने की दर में
करीब 20% का इजाफा हुआ और भी ऐसे बहुत से कारण हैं। सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया। भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले से पहले सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूं तब से रोहित शर्मा मुझे देख रहे हैं और मेरे गेम के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं आईपीएल 2018-19 में आया तो हमारी वापस में मेरी गेम को लेकर काफी बात होती थी। वो मुझे बताते थे कि मैं कैसे सुधार कर सकता हूं, प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकता हूं और गेम को कैसे आगे ले जाना है। मेरे गेम को लेकर हमारे बीच काफी ज्यादा बात होती थी। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। मुझे काफी खुशी है कि उन्होंने मेरे ऊपर काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है। देश सहित बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। देश के साथ साथ बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले अब डराने लगे हैं। अगर सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार राजधानी पटना में 130 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य भर में कुल कोरोना वायरस संक्रमित मामले 2641 पर पहुंच गई है। देश भर की बात करें तो आज यानी रविवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कुल 2528 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश भर में कुल कोरोना संक्रमित मामले 1,43,449 पर पहुंच गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, प्रिया राय, शंकर मुखिया, कुश कुमार यादव, केशव मिश्रा, कविता कुमारी, महेश दास, सिद्धार्थ कुमार, रंजीत मिश्रा, मनीष तिवारी, रोशन कुमार यादव और रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार आज के खेले जाने वाले इंडिया वर्सेज इंग्लैंड वाले निर्णायक मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा करने की उम्मीद है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।